नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, वहीं हिंदू धर्म में आज से नया साल भी प्रारंभ होता है। जहां एक ओर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर ऐसे में जहां पूरा देश एक ऐसी बीमारी से महामारी से लड़ रहा है, कोरोना वायरस के चलते मंदिर बंद दिखाई दिए, वहीं भक्त अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। अशोका गार्डन स्थित मंदिर के पुजारी हरबिलास शर्मा ने बताया कि उन्होंने मंदिर को बंद रखा है और सभी भक्तों से अपील की है कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक अपने घरों में ही रहकर पूजा करें एवं माता रानी से घरों पर रहकर प्रार्थना करें कि वह इस भयावह बीमारी से जल्द छुटकारा दिलाए। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए अभी तक उपचार नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर मंदिर को भी बंद कर रखा है और आम जनता से भी अपील की है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। वहीं कुछ लोग आज से नया साल मानते हैं, कोरोना के चलते मंदिर बंद रहता है। नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोग इस विडम्बना की घड़ी में भी आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिंदू पुराणों के इतिहास में और सबसे बड़ी चीज़ के हमारे हिसाब से आज गुड़ी पड़वा है और हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं, लेकिन महामारी कोरोना और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हित करते हुए सभी लोग उनका पालन कर रहे हैं। सब अपनी जान और देश के हित में आज हमने भी मंदिर बंद करके रखा है कि किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, एक दूसरे से वायरस ना फैले, बिल्कुल सावधानी में ही सुरक्षा है। और मेरा पूरे देशवासियों से निवेदन है, अपील है और साधुवाद है कि आप लोग भी घरों में रहें, अपने बच्चों की अपने आप की सुरक्षा करें। 20-21 दिन 25 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन देश हित में ये बहुत जरूरी है। नमस्कार। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।